हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 30 एंड 50। हमें कंपोजिट नंबर लिखने कहाँ से, 30 से लेके 50 के बीच। ठीक है, पहले तो समझ लो कि कंपोजिट नंबर हमारा होता क्या है। भाई जब हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो दो नंबर होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर होते, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जिस नंबर के दो फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर, टू फैक्टर, वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर, वन एंड इट्सेल्फ। ठीक है, क्या होता है, वन एंड इट्सेल्फ। लेकिन हमारे पास कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर सिर्फ प्राइम नंबर का अपोजिट होता है या उल्टा होता है। जैसे द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, क्या बोल रहा, द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर। भाई कंपोजिट नंबर में कहता ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। लेकिन प्राइम नंबर में कहता ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर में कहता मोर देन टू फैक्टर, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, उसको उससे कम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब जैसे हम कह रहे टू, वन और टू है, तो ये तो कंपोजिट नंबर नहीं, कितने फैक्टर है, टू, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर हो जाता है। लेकिन अगर हम फोर को लेंगे, किस किस से डिवाइड होता, वन टू और फोर, दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो भाई ये कंपोजिट नंबर है हमारा। जैसे हम ले लेंगे सिक्स, वन टू थ्री सिक्स, दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे हम एट लेंगे, वन टू फोर एट, भाई दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, तो हम जिसके भी फैक्टर दो से ज़्यादा होगा, या हम कह सकते हैं जो नंबर दो से ज़्यादा नंबर उससे डिवाइड हो जाए कंप्लीट, उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब मुझे 30 से लेके भाई 50 के बीच लिखने, तो भाई 30 से लेके 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 37 नहीं होता, ये प्राइम नंबर होता, 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 41 प्राइम नंबर होता, 44 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 47 प्राइम नंबर होता, 49 और 50 भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब एक बार फिर समझ लो, जिनके फैक्टर दो से ज़्यादा होंगे, मतलब कहने का है कि दो नंबर से ज़्यादा वो डिवाइड होता होगा या दो नंबर से ज़्यादा के टेबल में आता होगा, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं।